हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिल्वर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो सिल्वर लास्ट ट्रेडिंग सेशन 63902 पे बंद हुआ है, 63900 के अराउंड 41 रुपीज़ गेन के साथ हम फ्लैट पॉजिटिव बंद हो चुके हैं। और यहाँ जो है, तो चलो देखते हैं कि चार्ट पे सिल्वर कैसा दिखता है। तो शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो कि इस महीने हम लगभग 5% अप ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ लगभग हमें 3000 रुपये की गेन दिख रहे हैं फॉर द मंथ। लास्ट मंथ जो है तो हम 1700 रुपये नीचे बंद हुए थे, लगभग 2.7% डाउन बंद हुए थे। मगर इस महीने हमने नीचे के लेवल से अच्छा खासा रिकवरी देखा और फिर से जो है तो पीवोट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पे, मंथली चार्ट पे मुझे लगता है कि सिल्वर ने एक टेम्प्रेरी बॉटम बना लिया है, वो है 58,000 का। जब तक ये इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है तो मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। तो यहाँ 58,000 का सपोर्ट है और यहाँ मुझे लगता है कि अभी सभी टारगेट जो है तो ओपन हो रहे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में रिस्क ऑफ ट्रेड हो चुका है। इसका मतलब लोग जो है तो वहाँ माल बेच रहे हैं ड्यू टू रिस्क फैक्टर्स, और यहाँ जो है तो रिस्क ऑन ट्रेड है। तो रिस्क ऑन ट्रेड मतलब इसका मतलब होता है कि अगर ग्लोबल इवेंट में ग्लोबली कुछ बैड चालू है, जैसे वॉर या फिर इन्फ्लेशन, तो उसकी वजह से लोग जो है तो सेफ असेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर या फिर डॉलर। तो उसके वजह से शायद यहाँ जो है तो हमें अच्छे खासे गेन देखने को मिल सकते हैं। मगर फिर भी गोल्ड जो है, एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये अभी भी उसके पीवोट के नीचे है। अगर इसके पीवोट के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हो सकता है कि इस साल जो है तो हम 81,000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत लो है, मगर हो सकता है। अगर ये वॉर बहुत दिनों तक चला, इन्फ्लेशन रहा और ये फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने शुरू कर दिए, तो इसके वजह से हमें बहुत बड़े टारगेट आते हुए देख सकते हैं लॉन्गर टर्म में। तो यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हम पीओट को क्रॉस कर पाते हैं नहीं। पीओट का जो लेवल है वो लगभग 65,300 के अराउंड, तो उसके ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें अप ट्रेंड में एंटर करना है। तो ये रहा मंथली चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि सिल्वर जो है तो इस हफ्ते लगभग 1.5% ऊपर बंद हुआ है, लगभग 900 रुपये गेन के साथ। हम लास्ट वीक भी जो है तो लगभग 2200 रुपये का रैली देखा था और 3.5% ऊपर बंद हुए थे। और यहाँ भी सिल्वर लगभग ट्रेंड चेंज के मूड में है, और यहाँ अभी जो बाउंस बैक चल रहा है इसका जो टारगेट आता है वो 66,400 का आता है। तो करंट लेवल से हमें लगभग 2500 का टारगेट दिखता है। तो यहाँ हमें लॉन्ग साइड पे रहना है, या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हम सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन बना के ही चलेंगे। और यहाँ जो है तो हमारा स्ट्रेटजी रहेगा बाय ऑन डिप्स, और आपको बाय करना है, आपके लिए बाइंग जोन होगा सिल्वर में 63,000 to 63,500 के अराउंड जो है तो आपको बाइंग करनी है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 62,500 के नीचे रहेगा, और जो टारगेट बनेगा सिल्वर में कम से कम नेक्स्ट 2 to 3 वीक के व्यू से वो रहेगा 66,400 का। ये मिनिमम टारगेट है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो फिर हम जो है तो बहुत ही ऊपर के लेवल देख सकते हैं, और उस सिनेरियो में अगर ब्रेकआउट आता है तो उस टाइम हमारे जो टारगेट बनेंगे वो रहेगा 71,000, 75,000 और 81,000। तो इन ये लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए भी सिल्वर जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस टाइम कैसी कंडीशन रहती है। मगर यहाँ कम से कम 66,400 का लेवल सिल्वर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में, और यहाँ हमें बाय करना है। हमारा बाइंग रहेगा 63,000 के अराउंड, जितना बाय करता है आ सकता है करेंगे 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और वहाँ से हमें लगभग 3 से 3500 रुपये की गेंस देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में। और यहाँ हमारा जो व्यू रहेगा वो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे। डेली चार्ट पे देखते हैं। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो हमने नेगेटिव में शुरुआत की थी, हमने लगभग 60,000 के लेवल देखे थे, वहाँ से अच्छी खासी रैली जो है तो बिल्डअप हो चुकी है, और जो हमारा पहला टारगेट था 64,500 का वो अचीव करके फिर करेक्शन दिया। करेक्शन देने के बाद फिर से जो है तो नीचे के लेवल पे और बायर सपोर्ट कर रहे हैं सिल्वर को, और हम जो है तो अभी ट्रेड कर रहे हैं 200 डेज एवरेज के अराउंड। हमने पिछली बार ब्रेकआउट दिया था मगर वो फेल हुआ था, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी और हमने ओवरबॉट पोजीशन से अच्छी खासा सेल ऑफ देखा, लगभग 50-60,000 का लो बनाया, और वहाँ से फिर से जो है
तो स्ट्रेंथ गैदर करके सिल्वर जो है तो बाउंस बैक दिया है। तो यहाँ अभी जो है तो जब तक हम जैसे हमने वीकली चार्ट पे देखा, जब तक हम 63,000 के ऊपर है या फिर 62,900 के ऊपर है तब तक सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन बनानी है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 62,500 के नीचे रहेगा। अगर उसके नीचे स्लिप करता है सिल्वर तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा और फिर से जो है तो हम कंसोलिडेशन और साइडवेज ट्रेंड में चले जाएंगे ऊपर की तरफ। जो अभी नेक्स्ट इस महीने के लिए जो टारगेट है वो है 65,500 और उसके बाद में जो है तो 67,600। तो यहाँ डेली चार्ट पे जो टारगेट आ रहे हैं वो 65,500 और उसके बाद में 67,500 के, मगर हमारा जो टारगेट आएगा एज पर जो वीकली चार्ट पे जो मेजर रेजिस्टेंस है तो वही टारगेट बनेगा हमारा वो 66,400 का। तो वही टारगेट पकड़ के हम चलेंगे और उस टारगेट के लिए हम लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ट्रेड आपको 63,000 के अराउंड खरीदना है, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 62,500 का स्टॉप लॉस, और जो टारगेट बनेगा हमारा वो रहेगा 66,400 का। तो लगभग 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है वो 3,400 पॉइंट का बनता है 63,000 के लेवल से। तो हमने डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा और मंथली चार्ट भी देखा, और यहाँ जो है तो आपको बाइंग साइड पे रहना प्रॉफिटेबल रहेगा। अगर हम देखते हैं कि नीचे के लेवल टूटते हैं तो ही फिर हम शॉर्ट करने की सोचेंगे, मगर जिस तरह से अभी ग्लोबल फैक्टर प्ले आउट हो रहे हैं तो यहाँ लॉन्ग साइड पे रहना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और प्रॉफिटेबल रहेगा। तो यहाँ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी यूज़ कीजिए और जो टारगेट है हमारा वो रहेगा 66,400 का। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।